नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 11वीं क्लास के छात्र छात्राएं ध्यान दें कि हम लगभग हमारे गद्य खंड के 5 लेसन पूरे कर चुके हैं। पांचवा लेसन है आपका जो अभी लास्ट में आपने पढ़ा है, वो अपना था गलता लोहा। और गलता लोहा में जातिगत ऊंच नीच भेदभाव, मानसिकता, ये सब हमने देखा, सुना, पढ़ा। और अब मैं चाहता हूँ कि जो उसी क्रम में जो छठवा या सिक्स लेसन जो है वो लेसन है हमारा स्पीति में बारिश। तो 11वीं क्लास के जो गद्य खंड कम पोर्शन पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान से आपको देखना है, पढ़ना है। मुझे लगता है कि अब तक के जो लेसन आपने पढ़े होंगे बुक में उनसे थोड़ा हटके है ये लेसन। तो यूँ कहूँ कि कहानी तो बहुत अच्छी है, एक यात्रा वृतांत है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग रहेगा मुझे लगता है। तो प्लीज इससे बाकी आपने क्या है कि वीडियो देख के आप कर लेते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इस लेसन को आप जरूर पढ़ें क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्यों अलग, ये जानने के लिए पढ़ना बस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखें कि स्पीति में बारिश। अब स्पीति का कोई शब्दार्थ कोई मीन को मतलब नहीं लेंगे। तो फिर क्या है, जैसे मानसरोवर क्या है, एक झील का नाम भी, और यहाँ जयपुर में एक कॉलोनी है, एक सिटी का नाम है। तो उसी प्रकार से स्पीति एक जगह का नाम है। ठीक है, ये जगह किस राज्य की, मैं अपने भारत की बात करें तो बात करें स्पीति हिमाचल प्रदेश, अगर भारत का नक्शा बनाकर तो ऊपरी छोर पे इस साइड में आती है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। तो वहां तो आप जानते हैं कि नैनीताल शिमला लोग घूमने फिरने जाते हैं, गर्मियों में जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं उसी हिमाचल प्रदेश में, जो राज्य है हिमाचल प्रदेश, उस राज्य में स्पीति नाम की बहुत प्यारी जगह है। इस जगह पे लोग क्या करते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, पर्यटक के रूप में जाते हैं। तो यहाँ पे ठंडा रेगिस्तान से बर्फीली पहाड़ियां हैं, उसको एक रेगिस्तान का कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खुला एरिया है। वहां पर पर्यटक जाते हैं, घूमने फिरने वाले यात्री जाते हैं। तो वो यात्री वहां जाते हैं और वहां पर क्या होता है कि ये यात्री ऐसा आनंद उठाते हैं, ठंडी हवाओं का चलना, बूंदों का गिरना, इस तरह से काफी उसमें रहता है। ठीक है, अब बात ये है कि स्पीति में बारिश, इसका मतलब जो हमारे कृष्णनाथ लेख महोदय है ये इस स्थान की क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। और यात्रा कर ली उन्होंने तो यहाँ से कई किस्म के होते हैं, जैसे आप लोग कभी मेले में जाते हैं या जू में जाते हैं या किसी एक बहुत अच्छे अलग स्थान पर जाते हैं, वहाँ आप कुछ नया पाते हैं, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की कल्चर जो भी है उसको आप चाहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ऐसा होता है। तो आप उन चीज़ों को नोटिस करेंगे, देखेंगे, और वो चीज़ें नोटिस करके फिर आप वापस आकर अपने मित्रों से बातें चीतें करते हैं कि यार वहाँ पर ऐसा ऐसा होता था, कुछ नया था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे यात्रा वृतांत, मैं मानता हूँ कि यात्रा वृतांत आपको ये समझ में आना चाहिए इसकी परिभाषा क्या है। कृष्णनाथ महोदय स्पीति हिमाचल प्रदेश जाते हैं, वहाँ का क्षेत्र कैसा है, जलवायु कैसी है, भूगोल, वहाँ का पूरी भौगोलिक दशाएं कैसी है, उन सब के बारे में सुना होगा। सुना तो जिज्ञासा बनी और जिज्ञासा बनी तो अभी जाके देखा। अब इन्होंने वहां जाने की यात्रा से प्रारंभ किया, वहां गए, वहां घूमे फिरे, काफी दिन रहे। तो वहां का जो इनका अनुभव रहा, वहां का जो इनका जो इनके सामने जो कुछ समस्याओं को फेस किया, वो सारी चीजें इन्होंने क्या किया, एक लेखनी बनाकर एक लेख लिख दी है, एक रचना बना दी, एक पाठ बना दिया। तो पाठ का शीर्षक क्या दें, है ना, तो जैसे स्पीति एक जगह का नाम है, बहुत प्यारी जगह है, भौगोलिक दृष्टि बहुत सुंदर है, मनोरम है। अब उस जगह में बारिश का जो दृश्य देखा, उसी दृश्य को इन्होंने नाम डाले स्पीति में बारिश। प्यारे बच्चों को मैं समझा रहा हूँ, आपको लगता है बहुत इजी लेसन होगा, लेकिन ये लेसन थोड़ा सा घुमा हुआ है, आपको नहीं घूमना है, उसको सिस्टम से पढ़ना है। कहानी जैसा ही है, लेकिन ये स्पीति में बारिश जो पाठ है, इस पाठ को लेखकों की दृष्टि में देखा जाए, साहित्य की दृष्टि में देखा जाए, तो ये जो लेसन है ये क्या है, यात्रा वृतांत है। और यात्रा वृतांत का मतलब आप समझ चुके हैं कि कोई लेखक है, वो कहीं घूमने जाता है, तो वो जाता तो व्यक्तिगत शौक के लिए, लेकिन वहाँ पूरा देख के और उसे लगता है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ से यहाँ कुछ अलग है, नया है, और समाज को, जनता को उससे कुछ नया सीखने को मिल सकता है। वो उस बातों को सिस्टमेटिक ढंग से लिखता है, वो लिखा हुआ लेख क्या कहलाएगा, यात्रा का वृतांत, यानी कि हाल सुनाना। अब ये तो बात हो गई है कि
यात्रा वर्तमान क्या है, कौन सा यात्रा वर्तमान पढ़ना है, स्थिति में बारिश पढ़ना है। अब बारिश का मतलब होता है कि बारिश हुई है, कर्सना उसके ले जाते हैं यहाँ तक गाड़ी हुई है। अब दोनों चार में प्रश्न सोल्व कर रहे हैं, कौन सा कि कृष्णनाथ का कर्तित्व व्यक्तित्व पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकर आता हूँ आपके लेखक परिचय। लेखक के लिए सबसे पहले आप पढ़ते भी किसी भी कवि लेखक का जन्म कर करें 1934 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है 1934 याद रखने की तारीख है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ठीक है 1934 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ? वाराणसी। वाराणसी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, यू कहूँ कि फेमस जगह है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है। ठीक है तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में कृष्णनाथ जी का जन्म हुआ, और आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म, ठीक है वो भी उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है। ठीक है ध्यान रखना कृष्णनाथ है तो उत्तर प्रदेश में से याद रहेगा आपको। अब बात करें कि प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रची उन्होंने, किसी ये तो उनका देखो यहाँ से लेकर ये क्या हो गया व्यक्तित्व हो गया। अब थोड़ा सा आपको और बताऊँ, इस पार्ट में दे रखा बहुत ज्यादा दे रखा है कैसे पढ़े कैसे क्या किया, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा अलग मैटर है। मेरे आपको थोड़ा सा कि इनका जन्म और कैसे क्या ये कर्तित्व है इम्पोर्टेंट आपके लिए कि कर्तित्व क्या क्या नाम किया। लद्दाख एक जगह का नाम है, अभी तो उसमें काफी चर्चा लगी जम्मू कश्मीर लद्दाख लेह लेह लद्दाख एक जगह का नाम है। ठीक है लेह लद्दाख तो लद्दाख में राग विराग ये भाई क्या है अपने ये किसी रचना का नाम है पाठ का नाम है कि लद्दाख में राग विराग। ठीक है और याद करने के तरीके बता दो, मैं पूछूं आपसे कौन कौन सी रचना है। तो लद्दाख में बहुत भयंकर बर्फ पड़ती है, ठंडा माहौल रहता है। ठीक है तो लद्दाख में राग और विराग जानते हो, लोग ठंड में जब सर्दी की ऋतु तो बहुत जल्द पड़ेगी तो लोग घर में बैठे हैं और वो कुछ गुनगुना रहे हैं कुछ गा रहे हैं, गाने को कहते हैं राग विराग। बात क्या है किन्नर, किन्नर ये आप नाम सुनते समझ गए होंगे, जो नहीं सुनते समझ लीजिए। किन्नर का मतलब क्या होता है कि भगवान के द्वारा जो हमारा माना जाता है कि जो भी जन्म होता है भगवान के द्वारा होता है, तो किन्नर एग्जैक्टली एक होता है समाज होता है। ठीक है जो स्त्री पुरुष दोनों का एक मतलब में सभी उन्हीं में रहता है, तो किन्नर एक जाति है जिसे सामान्य भाषा में हिजड़ा जिड़ी बोलते हैं, तो उसी को लेकर इन्होंने एक पाठ बनाया किन्नर। ठीक है पाठ का नाम क्या है किन्नर है, तो उनके बारे में जैसी बात अगर लेखक ने कुछ लिखा है तो इनके जो साथ दुराचार होता है इनको देख के लोग कैसी कैसी घृणाएं करते हैं कैसी कैसी बातें करते हैं, वो बातें लोग ना करें, उनको भी इंसान समझ के अपने समाज में अपने जैसे समझ के और उनको समाज में जगह दे, और पढ़ाई लिखाई में स्कूलों में कॉलेजों में हर जगह इनका भी रिस्पॉन्स होना चाहिए। ऐसे कुछ इस पार्ट में है किन्नर, बहुत अच्छी रचना है। उसके बाद है धर्मलोक। ठीक है तो धर्मलोक एक रचना का नाम भी रखने हैं, स्थिति भी बारिश हम बढ़ने जा रहे हैं। फिर है पृथ्वी परिक्रमा, पृथ्वी परिक्रमा अपन पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाना। ठीक है उसके बाद है हिमाल यात्रा, हिमाल का मतलब हिमाचल से ही है और हिमाचल की यात्रा को उसको हिमाल यात्रा कह दिया है। फिर है अरुणाचल यात्रा, अरुणाचल प्रदेश आप जानते हैं जैसे मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या ईटा नगर है, ईटा नगर आपको जितने बड़े इंडिया के स्टेट्स हैं सभी के राज्य राजधानी याद होना ही चाहिए मेरा ही मानना है क्योंकि बहुत काम होते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है ईटा नगर है। ठीक है और ये एक रचना का नाम है, अरुणाचल यात्रा की यात्रा को लिखा है। फिर बौद्ध निबंधा निबंधावली आदि, तो बौद्ध निबंधावली ये भी रचना का नाम है, यूनिक रचनाएं इनकी हैं। तो ये तो जिनकी कर्तित्व है रचनाओं का नाम है। ठीक है और सीधी सी बात है ट्रिक बनाने याद कर लेने इसको कि लद्दाख में गए हुए कौन कृष्णनाथ जी और वहां जा क्या कर रहे हैं, लद्दाख के बारे में कुछ राग विराग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो लद्दाख में क्या कर रहे हैं राग विराग कर रहे हैं। अब राग विराग मतलब की कुछ बातें चीत हो रही है, कुछ सुनाया जा रहा है गुनगुनाया जा रहा है, किसके बारे में बातचीत हो रही है किन्नर के बारे में बातचीत हो रही है। अब किन्नर जो है उसको भगवान ने जैसा बना दिया ठीक है, लेकिन उनको समाज में थोड़ी सी हे दृष्टि से देखते हैं, लोग पूरे नजर से देखते हैं, कमेंट कर देते हैं कुछ भी करते हैं, और समाज में उनको एजुकेशन भी चाहिए होती है, वो भी चाहते हैं कि नौकरी लगे कुछ आगे बढ़े कुछ समाज में उनका भी रिस्पेक्ट हो सम्मान हो। तो ऐसे में जो किन्नर है क्या पढ़े थे लद्दाख में राग विराग हो रहा है किसके बारे में किन्नर के बारे में, तो किन्नर जो है अब ये एक धर्म संकट आ गया किसके लिए कृष्णनाथ जी के लिए, तो उन्होंने क्या लिखा धर्मलोक लिख दिया। अब धर्मलोक लिखा तो भाई कोई से मान रहा को नहीं मान रहा, ऐसे में उन्होंने वहां पे क्या किया कि ये अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करते हैं कि यहाँ के लोगों को समझाएं किन्नर के बारे में, और वहां से फिर लोगों को बौद्ध होता है तो बौद्ध निबंधा भी लिखते हैं, और स्थिति धर्मलोक जो है उसको क्या करते हैं लोग जैसे धर्मलोक में चल रहा है
की बारिश मतलब बारिश में भी सोचा इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की है, हिमालय यात्रा लिखी है और मध्यप्रदेश यात्रा भी लिखी, किन्द्र को लेकर और फिर बौद्ध निबंधावली की आप करें। तो मेरा मतलब है कि आप लोग इन रचनाओं को याद अवश्य कर लीजिए, प्रश्न आ सकता है। उसके बाद है कि सम्मान, सम्मान हम जानते हैं जो भी लेखक महोदय बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उनको हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से क्या होता है, सम्मान मिलता है। ठीक है, तो इनको सम्मान मिला है लोहिया सम्मान। ठीक है, ध्यान रखना है। अभी हमने लास्ट जो पार्ट पढ़ा था उसमें आए थे हमारे शेखर जोशी, शेखर जोशी को जो सम्मान मिला था वो तो पहल सम्मान था। ठीक है, तो प्रत्येक का याद रखना है। तो सम्मान लोहिया सम्मान ये नाम उसका। इनकी मृत्यु 2016 अभी 4 साल पहले ही उनका क्या हो गया, देहांत हो गया, कृष्णनाथ के नाम से थी। ठीक है, 1900 में जन्म होता है, 2016 में इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, अब ये तो था प्यारे बच्चों पाठ के बारे में। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि पाठ में क्या है, पाठ में क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा जैसा कि मैंने कहा कि अलग पाठ है, थोड़ा सा उसका सीरियस पाठ है। उस पाठ में जो पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ेंगे क्या है ध्यान दें, वो है हमारा कि जो स्पीति नाम की जगह है, ये हिमाचल प्रदेश की जो पूरे एरिया की बात करें, हिमाचल प्रदेश में कहें मध्य में स्थित है, बीच में स्थित बसा हुआ शहर है। ठीक है, अब जो हिमाचल प्रदेश की मध्य में स्थित है और इसकी इस पार्ट में क्या बात की है कृष्णा जी ने, तो बताएं जनसंख्या कितनी है, कैसे फैली हुई है, उस जनसंख्या का रहन सहन खान पान कैसा है, कैसा उनका बर्ताव है, कैसे उनकी बोलचाल है, सारी बातें इस टॉपिक पढ़ेंगे। इस स्पीति में बारिश का जो पेड़ पाठ है उसे पढ़ेंगे, तो जनसंख्या के बारे में जानेंगे, बाकायदा आंकड़े दे रखे हैं जनसंख्या कितनी है। और मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, इसी जनसंख्या का नाम याद आ गया कि राजस्थान क्या कह रहे हैं, रहने वाले हैं, इस स्कूल पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान राज्य की जो जनसंख्या 2011 के अनुसार सन 21 के 2 अप्रैल में भी आएगा रिकॉर्ड है ना, 10 साल बाद जनसंख्या काउंटिंग होती है। तो प्यारे बच्चों राजस्थान राज्य की जनसंख्या कितनी है, आप में से मुझे जो भी सुन रहे हैं जो वीडियो देखते हैं उन सबको मैं ये देता हूँ कि आपको राजस्थान की जनसंख्या याद रखनी है। जब आप हिमाचल प्रदेश की स्पीति पढ़ रहे हो तो आपने को अपनी याद रखी है ना, तो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल वो भी 2 पॉइंटों में। पहला पॉइंट पूछूंगा कि जो बात करते हैं हम किसमें वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र को जान लेते हैं, मैं आपको वर्ग किलोमीटर और वर्ग मील दोनों में पूछना चाहता हूँ। बड़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है, अब बता देते बखूबी। ठीक है, लेकिन लास्ट में तो वर्ग किलोमीटर, मैं वर्ग किलोमीटर पूछ रहा हूँ प्लस वर्ग मील में भी पूछ रहा हूँ, और आप अच्छी तरह मैथ जानते हैं तो अपने राजस्थान राज्य की जनसंख्या उसका क्षेत्रफल दो भागों में वर्ग मील भी बताना है और वर्ग किलोमीटर बताना है। तो राजस्थान के साथ ये अपनी स्पीति जनसंख्या। फिर ऋतु, ऋतु आप जानते हो कि जैसे प्रत्येक राज्य में जैसे 6 ऋतु होती है, उन 6 ऋतु में किसका ज्यादा प्रभाव रहता है, जैसे मान लीजिए चूरू जिला है, चूरू जिला आप देखना गर्मी में भयंकर सबसे ज्यादा गर्मी चूरू में पड़ रही थी, तो अभी सर्दी शुरू हो जाएगी, सर्दी में देखना जनवरी फरवरी की बात करेंगे तो जनवरी में जो भयंकर सर्दी पड़ती है ना वो भी चूरू में ही सबसे ज्यादा पड़ते हैं, और जो सीपी है वहाँ उसमें रिकॉर्ड की जाती है। तो प्यारे बच्चों ये जैसे ऋतु की बात कर रहे हैं किसमें कम है, बात करें गंगानगर जिले की, गंगानगर जिला है वहाँ पे 27 दिन तक धूल भरी आंधी चलती है, भयंकर मतलब एक ऐसा ऋतु हम जून की बात कर रहे हैं, तो ये जून हो गया अपना। फिर है कि जनसंख्या हो गई है, ऋतु में इसकी बात है फसल, तो फसल की बात करें देखिए तो भी थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं आप, अपन जब फसल लिखते हैं ना तो सीधे लिखते हैं, यहाँ पे फेंक के बिंदी लग रही है फसल, तो ये थोड़ा हिमाचल प्रदेश में है तो वहाँ की भाषा थोड़ी अलग है, बोलचाल अलग है, इसलिए थोड़ा नुक्का लग गया उर्दू भाषा में चला गया है फसल। ठीक है, उसके बाद है जलवायु, तो जलवायु प्रत्येक क्षेत्र की होती है, भले आप जिस सिटी में रहते हो सिटी की जलवायु का भी एक आकलन होता है, शहर का भी होता है। ठीक है, तो एक 3 टॉपिक है, मौसम एक होती है, मौसम होती है, ऋतु होती है और जलवायु होती है, ये 3 पॉइंट ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मेरा वीडियो आप ज्योग्राफी वाले भी देख रहे हैं, हिस्ट्री कॉमर्स वाले भी देख रहे हैं, साइंस में सब देख रहे हैं, चीज काम आती है कि मौसम किसे कहते हैं और ऋतु किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं, तो आप लोग इनका भी उत्तर ढूंढे और मुझे बताएं। ठीक है, नहीं मिलते मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो बात करें जलवायु, जलवायु किसे कहते हैं। ठीक है, जलवायु पढ़ेंगे सी, ये सारे पॉइंट पढ़ेंगे किसके, स्पीति नाम की जो जगह उसमें पढ़ेंगे। फिर भूगोल का वर्णन, तो यहाँ का जो भौगोलिक दृश्य है वो कैसा है। प्यारे बच्चों हमारा एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम हमारे भारत का एक हिमाचल प्रदेश राज्य है, उस राज्य में स्पीति नाम की जो जगह है वहाँ का एक पर्यटक के रूप में पर्यटक है और उसको जानना चाहते हैं, ऐसा ही पार्ट है। अब आपको ये देखना है कि इस पार्ट को कितना रुचि लेके आप पढ़ते हैं।
तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस पार्ट को आप पढ़ें जरूर, और मेरा अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं कुछ पॉइंट्स के आधार पर उस पार्ट का कुछ आपको पार्ट्स आप भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए आपको और कुछ बातें बताई, इन बातों को याद रखना है, समझना है, और फिर कोई डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सुरक्षित रहें और